ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, ठीक है लिख लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक एक करके लिख लेते हैं, हमें पता ही क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल के अंदर क्या रहे, इंस्क्राइब्ड रहे। ठीक है, तो हमने चलो इसमें लिख लिया, सबसे पहले ऐसे लिख लिया अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड, ठीक है सही से लिख लो, इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वैसे तो हमें ये सब तो बचपन से ही पता रहता है, ठीक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, चलो इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट बोल दिया। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, सेकंड पॉइंट हमें क्या पता है, ये पता है कि इस तरह से लिख सकते हैं ना, जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ऐसे लिख लिया अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री का मतलब यह है कि उन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, वो 180 होता है, राइट इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, सही से लिख लो ऐसे। ठीक है, थर्ड यहां पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो चलो इसको बना लेते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे ऐसे मैंने बना लिया कुछ, ठीक है इस तरह से मैंने बोल दिया, इसके अंदर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, एक ऐसे बना लो, एक इस तरह से बना लो। ठीक है, ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है इस पे। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या है, ये एक इंस्क्राइब्ड है। तो क्या क्या बताया मैंने सबसे पहले, तो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए प्लस सी जो एंगल होगा ये पाई होगा। ठीक है, बी प्लस डी ये कितना होना चाहिए, ये भी पाई होना चाहिए। सही है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला यहाँ पर, डायगनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स, मतलब डायगनल्स कौन से हो जाएंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसका मतलब ए सी इंटू बी डी, ठीक है ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो तुम अपोजिट साइड्स देख लो यहाँ पर कौन से दिख रहे हैं। जैसे तुमने एक देख लिया ए बी इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डी, अपोजिट साइड तो यही है। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी, ठीक है इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा बी सी हो गया, ये होता है। ठीक है, ये सब तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, कब से, 10th से ये सब पढ़ रखी है। ठीक है, अच्छा अगर मैं वहां पर पूछता हूँ कि इसका तुम एरिया निकालो, तो तुम एरिया कैसे निकाल सकते हो, ऐसे बोलोगे ना यहाँ पर एरिया ऑफ, ऐसे लिख दिया, ठीक है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो दो पार्ट में कैसे ब्रेक किया, मैंने बोल दिया एरिया, ऐसे बोल दिया इसको ए बी डी हो गया, प्लस फिर दूसरे यहाँ पर क्या बोल दिया, ऐसे लिख दिया बी सी डी हो गया। ठीक है, ठीक है, और इन सारी साइड्स को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। ठीक है, और मुझे पता है ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो इसका एरिया कैसे लिखा हमने, जैसे इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर मुझे एरिया निकालना है, तो तुम इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, ये कितना लिखा है हाफ ए बी साइन ए हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या लिखा? ठीक है, हाफ ए बी साइन ए हो गया, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा यहाँ पर सी, अच्छा ये डी लिख लो इसको, डी है। ठीक है, हाफ सी डी, ये भी कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा पाई माइनस ए, मतलब ऐसे तो मुझे यहाँ पर साइन सी लिखना चाहिए, पर ये कितना हो जाएगा पाई माइनस ए हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, तुम देख लो हाफ कॉमन आ गया, इनफैक्ट साइन ए बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया ए बी प्लस दिस इज सी डी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, और साथ में इसका एरिया ऐसा भी होता है, एक और फॉर्मूला होता है। पहली बात तो क्या किया हमने, इसका सेमी पेरीमीटर लिखा, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस डी बाय टू होता है, और साथ में एरिया भी होता है इसका एक फॉर्मूला। ठीक है, लिख लो इसको, ये होता है एस माइनस ए, ये होता है एस माइनस बी लिख लो, फिर एस माइनस सी होता है, फिर एस माइनस डी होता है। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे भी निकाल सकते हो इससे। ठीक है, या तुम इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इतना इनफ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, ज्यादा एज सच एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है इस पे। ठीक है, आ जाएगा तो वो हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बोला, अभी सिर्फ पॉलीगॉन के बारे में बता रहे हैं। तो पॉलीगॉन के लिए यहाँ पर क्या क्या होता है, तुम लिख लो यहाँ पर। सबसे पहले तो ऐसे होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ये तो हमेशा 2 पाई होता है, चाहे रेगुलर पॉलीगॉन हो चाहे सिंपल पॉलीगॉन हो। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 2 पाई, और साथ में सम ऑफ
इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये होता है यहाँ पर n माइनस टू पाई। ये चीज़ हम लोग बता चुके हैं ऑलरेडी, मैंने शायद ट्रिको में तुम्हें बताया भी था ये, ठीक है, इसको बताया भी था प्रूफ करके कैसे किया, कैसे आया था ये n माइनस टू पाई, पर वो रेगुलर के लिए बताया था, पर यहाँ पर पॉलीगॉन के लिए भी यही हो जाएगा, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, n माइनस टू पाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं पॉलीगॉन में, मैंने बोल दिया इफ हाइएस्ट, ठीक है, लिखते जाओ, इफ हाइएस्ट इंटीरियर एंगल इज लेस देन, ठीक है, लेस देन 180, देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, बस याद रख लो इसको। अगर इंटीरियर एंगल जो सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल होगा अगर वो 180 से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे, ठीक है। वैसे इस तरह उल्टा भी लिख लो, इफ हाइएस्ट, ठीक है, हाइएस्ट इंटीरियर एंगल इज, ठीक है, मोर देन, ठीक है, मोर देन 180, देन तुम्हें समझ में आएगा होगा मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, लिख लो सही से, देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव, ठीक, कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है, फाइन, इतना इनफ है। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, रेगुलर पॉलीगॉन ले लिया, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड बोल दिया, ठीक है, एन साइड्स। तो इसके लिए देखो हमें क्या क्या पता है, ये तो हमें पता ही है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सेम यही होगा, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो ये सब हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, चलो लिख लेते हैं फिर से, एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, बस टू पाई बाई एन कर दिया। आ रहा समझ में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल, तो बस ईच इंटीरियर एंगल तो ऐसे निकालोगे ना यहाँ पर, पाई माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो अगर एक इंटीरियर एंगल इतना दे रखा है तो सब बाकी सबका सम क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना देगा, इस तरह से आ गया, ठीक है, एन टाइम्स पाई माइनस, ये कितना देगा, टू पाई बाई एन। जब तुम इसको एन अंदर लेके जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, एन माइनस टू पाई हो जाएगा, कट जाएगा नीचे वाला एन इधर से, ठीक है, तो एन माइनस टू पाई हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, और लिख लेते हैं इसके लिए, ये रेगुलर पॉलीगॉन के लिए यहाँ पर चल रहा है, इतना तो हमने लिख दिया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या लिख रहे हैं, इसमें ऐसे लिखो, इन रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन है इसका मतलब कैसे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागॉन हो गया, हेक्सागॉन हो गया, ठीक है। तो इन सब में देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तो हमेशा देखो एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, जो सेंट्रॉइड होगा, सर्कम सेंटर होगा, और जो इन सेंटर होगा वो क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो सारे पॉइंट्स उसी में आ जाते हैं, राइट। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए भी क्या होगा, बेसिकली सेम ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन ही तो है, जिसकी साइड कितनी है, थ्री है। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इन रेगुलर पॉलीगॉन सेंट्रॉइड, ठीक है, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और इन सेंटर आर सेम, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट हमने क्या किया, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, जैसे मैंने इस तरह से बनाया, एक सर्कल ऐसे बना दिया, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक पॉलीगॉन है, एन साइडेड पॉलीगॉन है, तो इसका एक साइड ऐसे होगा, ठीक है, फिर इस तरह से हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक ऐसे हो जाएगा, समझ में आता है ये चीज, ठीक है, इस तरह से ये आगे बनता जाएगा, राइट। हमने सिर्फ इतना सा बना दिया, ये इसकी एक साइड होगी, ये इसकी एक साइड होगी, वैसे कितनी साइड है, एन साइड है। एक यहाँ पर सर्कल है, वो उसको क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक और हमने यहाँ पर सर्कल बना दिया जो इसको क्या करेगा, इंस्क्राइब करेगा, ठीक है, इस तरह से बना दिया, इंस्क्राइब करेगा, इसका मतलब क्या करेगा, सारी साइड्स को टच करके जाएगा इसे, ठीक है, इस तरह से बना लो, थोड़ा सा इसे ऐसे बन जाएगा ये। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसका एक सेंटर होगा, और ये जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इसको तुम सेंट्रॉइड भी बोल सकते हो, सर्कम सेंटर भी बोल सकते हो, इन सेंटर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसको डी बोल दिया, ठीक है, इस तरह से जा रहा है आगे, ओके। इसको हमने क्या बोल दिया, इस वाले के रेडियस को, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इस वाले के रेडियस को हमने ले लिया, चलो लेट्स आर हो गया ये, ठीक है। और ये वाली साइड को हमने क्या बोल दिया, साइड को चलो हमने ए बोल दिया, सारी साइड्स ए ही होगी, आता है समझ में,
ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जैसे इन सब का जो सम होगा, इन सब का ये जो सम होगा, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 2π होगा, आ रहा समझ में? तो अगर मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ इतना कितना होगा, तो तुम बोल सकते हो ना ये हो जाएगा 2π/n हो गया, आ रहा समझ में आपने क्या किया? अगर मैं बोल रहा हूँ सबका सम यहाँ पर 2π है, तो अगर मैं एक साइड के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक साइड के लिए पूछूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2π/n हो जाएगा, आ रहा समझ में आपने क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर ये 2π/n हो गया, तो मैंने क्या किया, इसको अलग से बना दिया इस तरह से, ये यहाँ पर कैपिटल आर है, ठीक है, ये यहाँ पर कितना, ये ए है, ये यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और इसको हमने क्या बोल दिया, ओ बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूरा 2π/n है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये π/n हो गया, और ये कितना हो गया, π/n हो गया, आ रहा है समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओके, अच्छा, ये डिस्टेंस जो होगी इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं स्मॉल आर बोलूंगा, क्यों, क्योंकि ये इन रेडियस है, इन रेडियस ही तो होगा ना, देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, यही तो होगा इन रेडियस, यहाँ पर अंदर वाला जो सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इन रेडियस बोल दिया, आ रहा है समझ में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर सर्कम, ठीक है, सर्कम रेडियस है, जो बाहर वाला जो सर्कल है, जो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, किसको, पॉलीगॉन को, और स्मॉल आर यहाँ पर क्या है, इन रेडियस है, जो ये वाला जो सर्कल है, जो उसको इंस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, समझ में आता है ये चीज। और ए यहाँ पर क्या है, साइड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, पॉलीगॉन क्या है, एन साइडेड का है, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो हमें बेसिकली यहाँ पर निकालना क्या है, हमें कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है, जैसे ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, और साथ में स्मॉल आर और ए के बीच में क्या रिलेशन है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो ये अगर ए है, तो ये यहाँ पर कितना है, ये ए बाई टू है, ये भी ए बाई टू है, समझ में आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल के लिए लिखा, इस वाले ट्राइंगल के लिए देखो तुम कैसे लिखोगे, तुम इस तरह से लिख सकते हो, साइन ऐसे लिख लिया, π/n इज इक्वल टू, अपोजिट कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो गया, और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर कितना है, आर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2r, ये कितना हो जाएगा, साइन π/n, मतलब बेसिकली ये कोई बड़ी चीज नहीं लिखी है, तो हमें पता ही है ट्राइंगल के लिए होता ही है, तो ठीक है, ए इज इक्वल टू 2r साइन π/n होता है, ठीक है, ध्यान रखना π/n आया, 2π/n नहीं आया, ये सही है। तो ये फर्स्ट चीज हो गई। सेकेंड, अगर मुझे स्मॉल आर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, टेन यूज कर लिया, ठीक है, ये कितना जाएगा, टेन π/n, ये कितना जाएगा, ए बाई टू, ठीक है, अपोजिट अपन एडजेसेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2r, ये कितना हो जाएगा, टेन π/n हो गया। तो अच्छा, तुम इस वाले फॉर्मूले को उल्टा करके भी लिख सकते हो, मतलब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये आर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ए बाई टू, और ये कितना हो जाएगा, उल्टा जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक π/n। तो फॉर्मूला तो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाई टू, टेन उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉट, ये हो जाएगा π/n। वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किसके टर्म्स में पूछा गया है वो, ठीक है, एक तो ये आ गया। थर्ड, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, समझो इस तरह से मैंने बोल दिया पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन अगर मुझे यहाँ पर निकालना है, तो ये तो कितना हो जाएगा, एन टाइम्स, एक साइड को ले लो, उससे एन से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर कितना हो गया, ए एन हो गया, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर इन टर्म्स ऑफ आर लिखना होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2nr, ये कितना हो जाएगा, साइन π/n हो जाएगा, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर लिखना होगा, तो भी तुम लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, चलो एरिया लिख लिया, तो एरिया कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन तुम ऐसे लिख सकते हो, मैंने क्या बोल दिया, एक एरिया निकाल लो तुम, एक ट्राइंगल का अगर तुम एरिया निकाल लेते हो, बाकी सबको तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, एन से मल्टीप्लाई तो करोगे, तो यहाँ पर देखो कितना देगा, एन टाइम्स किसके एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है, तो ये कितना देगा, एन टाइम्स, तो देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ऊपर और ध्यान दो इधर, ये आर है, ये आर है, ठीक है, और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, ये जो पूरा इंक्लूडेड एंगल, ये कितना यहाँ पर, 2π/n है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ना, हाफ, ठीक है, ऐसा होता है ना, ए बी साइन सी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर आर, और ये कितना हो जाएगा, साइन 2π/n, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो तुम इसको और लिख लो सही से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन बाई टू, ये आर स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, साइन 2π/n, सही है, अगर एन दिया होगा तो सब कुछ आ जाएगा, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो चलो इस पर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा समझ में आएगा कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन मैंने कैसे ले लिया, मैंने बोल दिया इफ एरिया ऑफ सर्कल इज ए वन एंड एरिया ऑफ, ठीक है, पेंटागॉन बोल दिया, पेंटागॉन का मतलब कितना हो गया, पांच साइड हो गई, ठीक है, पेंटागॉन इंस्क्राइब्ड,
इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ठीक है लिखते जाओ, इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज ए टू, देन फाइंड ए वन अपॉन ए टू। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या किया हमने, यहाँ पर डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पर अगर सर्कल क्या हो रहा है, सर्कल ऐसे बन रहा है और पेंटागॉन उसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है, इसका मतलब सर्कल यहाँ पर क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है। ठीक है, पेंटागॉन है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, पांच साइड हो जाएगी, तो ये कैसे हो गया। ठीक है, इस तरह से बना लो, बस इतना बना लोगे इतना काफी है, राइट, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर यहाँ पर पांच साइड है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 2π/5 हो जाएगा, आता समझ में। तो अगर ये 2π/5 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, π/5 हो गया, सही है। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, चलो इसको तुमने मान लिया लेट सर्कम रेडियस, ठीक है लेट सर्कम रेडियस बी कैपिटल आर बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा। तो मुझे बताओ, देखो ए वन तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, जो सर्कल का जो एरिया होगा वो तो क्या हो जाएगा, सिंपली पाई आर स्क्वायर ही तो होगा और क्या होगा। ठीक है, जो सर्कल का एरिया होगा, अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, पेंटागॉन का एरिया निकालना है। तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे निकालोगे तुम, ये आर है तो ये भी आर है। ठीक है, तो यहाँ से ए टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन टाइम्स एन, क्यों, क्योंकि सब सारे ट्रायंगल्स का निकालोगे ना, बाकी इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ये कितना होता है आर इंटू आर, ये कितना हो जाएगा साइन, जो भी इसके अंदर एंगल लिखा है पूरा, ये कितना हो जाएगा 2π/5। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा a1/a2 कर लो तुम इसको, चलो पहले तो सही से लिख लो। अच्छा, यहाँ पर इस केस में यहाँ पर n कितना है, 5 है राइट, ये तो गिवन है ना, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये कितना लिखा है साइन 2π/5, सही है। अब तुम क्या करो, इसको डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा a1/a2, तुम ये तो देख ही सकते हो कि r और r कट जाएगा, यहाँ पर कितना देगा पाई, ठीक है यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5, ये 2 ऊपर चला गया, और ये कितना देगा साइन, ये हो जाएगा 2π/5, सही है। तो ये आ गया मेरे लिए आंसर, तुम इसको चाहो तो तुम ऊपर भी ले जा सकते हो, ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 2π/5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर कोसेक 2π/5 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, जैसे साइन 2π/5 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, साइन 2π/5 मतलब कितना है, ये कुछ 36 लिखा है राइट, तुम चाहो तो तुम कैलकुलेट कर लो अपने आप। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 72 लिखा है ना ये, 72, तो यहाँ 72 हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तुम ट्राई कर लो, या तो तुम इसको ऐसे लिख लेना, ये क्या लिखा है साइन 72 इज नथिंग बट कॉस 18, कॉस 18 निकाल लो। जैसे साइन 18 कितना होता है, साइन 18 होता है √5 - 1/4, ये होता है साइन 18, तो यहाँ से तुम कॉस 18 निकाल सकते हो, कॉस 18 आ गया तो साइन 72 आ गया, साइन 72 आ गया तो कोसेक 72 आ गया। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, और ले लेते हैं चलो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया एन यहाँ पर 12 है, ठीक है साइड, मैंने साइड लेंथ दे दी यहाँ पर कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड करो पहले तो फर्स्ट रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड, ठीक है इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, सेकेंड हमने क्या बोल दिया, रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है तो ये निकालना है, तो तुम एक काम करो बनाते जाओ इसको। ठीक है, वैसे तो तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो यहाँ पर ऐसा, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं रहता तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, बना तो सकते हो। ठीक है, इस तरह से बनाया था ये, ओके अगर 12 साइड से, इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 2π/12 हो गया, तो अगर ये 2π/12 हो गया इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा π/6 हो गया राइट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये π/12 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा π/12 हो गया। साइड दे रखी, साइड कितनी यहाँ पर, ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर 20 दे रखा है, हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें ये स्मॉल आर निकालना है और ये कैपिटल आर निकालना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये यहाँ पर पूरा 20 है तो ये तो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर तुम क्या करो, इस वाले ट्राइंगल के लिए लिख लो, अब तुम यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/12 हो गया। ठीक है, ये आर है, ये स्मॉल आर है और ये कितना है 10 है, सही है। तो यहाँ से तुम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे साइन π/12, क्या लिखोगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे हो गया, तो यहाँ से आर कितना आ गया, आर इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कोसेक π/12, वैल्यू तुम निकाल लेना अपने आप, कितना लिखा ये साइन 15 ही तो लिखा है, साइन 15 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, वैसे तुम क्या करोगे 10 ले लो, 10π/12, ये कितना हो जाएगा 10r हो गया, तो यहाँ से r कितना हो गया 10 into, ये हो जाएगा cot π/12 हो गया। तो अगर तुम sin π/12 निकाल सकते हो तो cot π/12 तो तुम निकाल ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ले लेते हैं चलो।